क्लास, यहाँ हम 11th क्लास NCERT के लेसन नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 15th वीडियो लेक्चर है। 14th वीडियो लेक्चर तक हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 13.18 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.19 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहता है कि व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफ़िकल्टी। तो इस क्वेश्चन में वह ये कहना चाहता है कि बेंजीन ईजिली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों देता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को डिफ़िकल्टी से क्यों देता है या नहीं देता है, इस बात को वो यहाँ पर कहना चाहता है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार अवश्य हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 10 और उसमें होने वाला एक्सरसाइज 13.10 को अवश्य देखें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है और एक उसमें अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाता है। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बेंजीन के ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डेवलप करता है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बेंजीन के ऊपर, जिसको ऑरेंज कलर से शो किया गया है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन के नीचे, जिसको कि ब्लू या स्काई ब्लू कलर से शो किया गया है, ये बन जाते हैं। और इससे ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता वाला मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ये इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, क्योंकि इसकी ओर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंट या रिएजेंट इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कठिनाई से देता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप एक बार वीडियो नंबर 10 का एक्सरसाइज 13.10 को अवश्य देखें, जहाँ पर कि हमने बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.20 में वह कहता है कि हाउ विड यू कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। एथाइन को आप किस प्रकार से बेंजीन में चेंज कर देंगे, एथेन को आप किस प्रकार से बेंजीन में चेंज करेंगे और हेक्सेन को आप किस प्रकार से बेंजीन में चेंज करेंगे, ये वह कहना चाहता है। एसिटिलीन से बेंजीन बनाना चाहता है। जब हम एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल रेड हॉट ट्यूब में तेज़ी से गर्म कर देते हैं तो हमको बेंजीन प्राप्त हो जाती है। ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, इसलिए इसको ट्राईमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट में वह एथाइलीन को बेंजीन में चेंज करना चाहता है। पहले यहाँ पर एथाइलीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करा देंगे, जिससे कि एडिशन रिएक्शन होगा और ये ब्रोमीन एथिलीन पर एडिशन करके 1,2 डाइब्रोमो एथेन देगा। इस 1,2 डाइब्रोमो एथेन की रिएक्शन एल्कोहलिक OH से कराएंगे, जिससे कि HBr बाहर निकल जाएंगे और हमको एसिटिलीन प्राप्त होगा। यहाँ ये एसिटिलीन की रिएक्शन जब हम रेड हॉट ट्यूब में कराएंगे तो ट्राइमराइजेशन रिएक्शन होगी और हमको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में वह एनहेक्सेन को बेंजीन में चेंज कराना चाहता है। तो सर्वप्रथम एनहेक्सेन की रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ करा देंगे, जिससे कि साइक्लोहेक्सेन बनेगा और इस साइक्लोहेक्सेन का एरोमेटाइजेशन कराने पर हमको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यह वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।